जनसंघ के पहले प्रचारक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि के अवसर पर इंदौर के विजयनगर चौराहे पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया। जनसंघ के प्रचारक रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 68वीं पुण्यतिथि पर भाजपाइयों द्वारा विजयनगर चौराहे पर उनकी तस्वीर और प्रतिमा का माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान बीजेपी के पूर्व सांसद कृष्ण मुरारी मोघे, सांसद शंकर लालवानी सहित कई भाजपा नेता और जनप्रतिनिधि मौजूद थे। इस मौके पर वरिष्ठ जनों ने डॉक्टर मुखर्जी के जीवन परिचय का वर्णन किया और साथ ही 2 मिनट का मौन भी रखा, जहां बुधवार को इस दिवस पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिवस के रूप में मनाया। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। जनता पार्टी के कार्यकर्ता बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं। एक देश में 2 निशान 2 विधान 2 प्रधान नहीं चलेंगे इस नारे को लेके, इस नारे को चरितार्थ करने के लिए स्वतंत्र भारत में अगर पहला बलिदान किसी का हुआ था तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का हुआ था। और भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने इस धारा 370 को हटाने का काम और अभिन्न हमारे देश के अटूट अंग कश्मीर को एकरस करने का काम अगर किसी ने किया है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, माननीय अमित शाह जी ने किया है। आज हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राष्ट्र के राष्ट्र गौरव और हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नमन करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। और भारत के स्वतंत्र होने के बाद जो भारतीय की अंतरिम सरकार बनी उसमें जिन 7 लोगों को कांग्रेस का न होते हुए भी मंत्री पद दिया गया था उनमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी थे और वो उद्योग मंत्री बने। किंतु बाद में जिस प्रकार से पाकिस्तान से बड़ी संख्या में जो लोग आए तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी ने एक प्रस्ताव रखा था कि जो संपत्ति जनसंख्या के ट्रांसफर के समय भारत में लोग आए हैं और संपत्ति छोड़ के आए हैं वो संपत्ति पाकिस्तान से ली जाना चाहिए, उतनी जमीन ली जाना चाहिए और इन लोगों को बसाया जाना चाहिए। मन नेहरू जी इस बात से सहमत नहीं हुए, सरदार वल्लभ भाई पटेल सहमत थे उनके इस विचार से। और इसके साथ ही 1953 में एक प्रस्ताव पास हुआ और जिसके कारण जम्मू कश्मीर का संविधान अलग, वहां के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाना और भारत का कोई भी नागरिक बिना परमिट के ये पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में प्रवेश नहीं कर सकता था। इस बात का विरोध ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी ने किया और साथ ही जो जनसंख्या के ट्रांसफर होने के बाद में पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया जाता था उसका भी विरोध ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी ने किया। किंतु 1953 के अंदर जो प्रस्ताव पास हुआ उसमें यह अलग संविधान, वहां के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाना, वहां का अलग निशान, इन सारी बातों का विरोध ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी ने किया। इसके खिलाफ दिल्ली में बहुत बड़ा लगभग 5 लाख से ऊपर लोगों का प्रदर्शन हुआ और डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी स्वयं उस धारा को तोड़ने के लिए उन्होंने विदाउट परमिट ये प्रवेश किया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और आज के दिन ही 23 जून को उनको श्रीनगर की जेल के अंदर मृत्यु हो गई। मृत्यु किन कारणों से हुई ये आज भी एक रहस्य है, क्योंकि उनका वहां पर ठीक से इलाज नहीं हुआ, ठीक से उनके चिंता नहीं की गई और यहाँ तक कि बिना धारा लगाए बिना न्यायालय के इस प्रकार उनको दंडित किया गया, जिसका विरोध भारतीय जनसंघ ने बाद में भी किया। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी चाहते थे भारत ये राष्ट्रवाद के ऊपर खड़ा होना चाहिए, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के ऊपर खड़ा होना चाहिए और इसी बात को लेकर उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। आज वो हमारे बीच में नहीं है किंतु उनकी प्रेरणा जो राष्ट्रवाद का मंत्र उन्होंने फूका है वो निश्चित रूप से इस देश के अंदर एक दिन फलीभूत होगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। और आज के दिन उनको मैं अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।